ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं पता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर पढ़े हो? क्या होता है आईआर का? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं? तो इसके बेसिस पर देखते हैं हम लोग स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सुना है ना, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, तनन और क्या है बंकन, सुने हो? हाँ वही चीज, या इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। तो इसमें देखो मेनली क्वेश्चन जो है वो किससे आता है? नेट में। तो नेट में देखिए तो नेट में क्वेश्चन आता है किससे? स्ट्रेचिंग। अब बेंडिंग जो है वो तो जनरली होता है, मतलब कोई भी चीज जनरली जैसा भी बेंड हो जाए उसके वजह से। तो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या देखते हैं? दूसरी चीज को देखते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में देखें तो होता क्या है? तो सबसे पहले देखो हम इसमें बताते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, नॉर्मल से कार्बोनिल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ अगर लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ प्लस और सी प्लस माइनस, ये लिखेंगे कार्बोनिल को ऐसा लिखेंगे। अब इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं यह किस अवस्था में है? यह कार्बोनिल अगर फ्री स्टेज में है, कैसा है? फ्री स्टेज। फ्री स्टेज मतलब यह किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं, इसमें बोल सकते हैं नॉट अटैच्ड एनी मेटल, किसी भी मेटल के साथ अगर यह अटैच्ड नहीं है तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? तो इसको दिखाया जाता है कि इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह होता है म्यू बार सी ओ, लिखा जाता है म्यू बार सी ओ, ठीक है। तो म्यू बार क्या होता है? वेव नंबर को दिखाता है म्यू बार। तो वेव नंबर ऑफ क्या है ये सी ओ, तो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं? तो कार्बोनिल ग्रुप की क्या बताता है? वेव नंबर को बताता है। यही होता है हमारा क्या? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की क्या होता है? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है ये चीज? आगे इसमें देखो तो इसके लिए जब यह किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यह फ्री स्टेज में है, फ्री में है, तो इसके लिए न्यू बार, न्यू बार इक्वल टू इसके लिए वैल्यू क्या होता है? इसके लिए वैल्यू होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है कितना? 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर यह मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स में यह स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज समझ में आया? इसी के आगे इसमें देखते हैं, ये तो पहला हो गया, इसी में दूसरा देखिए तो दूसरा बताया जाता है कि CO प्लस फ्री स्टेज में है, कैसा है?
CO प्लस, देखो तो CO और इस पर है प्लस चार्ज, ठीक है, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब मेटल नहीं जुड़ा है इससे भी, इसमें क्या था कि न्यूट्रलाइज करें तो प्लस माइनस है तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, प्लस है मतलब ये न्यूट्रलाइज नहीं। अब न्यूट्रलाइज कब बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम नॉन बॉन्डेड होमो एट होमो एट एज अ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। तो देखो इसमें बताया जाता है यह कंडीशन कौन सा है, तो यह कंडीशन है नोमो और होमो के बेसिस पर जब हम बताते हैं तो देखो तो ऐसा करते हैं, ये होता है हमारे यहाँ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और उसके ऊपर होता है कौन सा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसा देखे थे, इस पर बोलते थे कि दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको हम बोले थे होमो और इसको बोले थे लूमो, बोले थे। तो अगर यह नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है तब हम ऐसा दिखाएंगे इसके लिए, क्लियर है, लेकिन इस केस में देखें तो होता क्या है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग होमो एक्ट एज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर, रिलीज होकर तो रिलीज कहां से होता है, तो नॉन बॉन्डिंग जो होमो होता है, देखो तो नॉन बॉन्डिंग होमो ये है, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और रिलीज होने से क्या होता है, तो एक एज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्ट एज व्यवहार करेगा इसके जैसा, तो स्लाइटली स्लाइटली एनबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह, ठीक है, रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर के कैसा व्यवहार देता है, तो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो रिलीज हुआ तो कैसे बताएंगे हम लोग, तो ये देखो ये हो गया ये NB, ये है हमारा पाई स्टार वाला, ये दो टू रहता है, यहाँ पे देखें ये होमो है और ये है हमारा लू, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, बाहर चले जा रहा है, क्लियर है, बाहर चला गया तभी आएगा उस पर प्लस, तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर कर देंगे तभी उस पर आएगा CO प्लस चार्ज, ठीक है। और फ्री स्टेट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, कहाँ से रिलीज हुआ, तो नॉन बॉन्डिंग होमो ऑर्बिटल से, जिसके कारण से एक्ट एज अ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, इसलिए यह क्या करता है, तो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर रखता है, क्लियर है। अब देखो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर रख रहा है तो उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर, देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कारण से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, तो इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलोगे, क्या पता है तुम लोगों को, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कैसे पता चला, ये पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ पता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, क्लियर है, ऑर्डर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं वह उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन टू एच टू जो है मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, कितना होता है, वन। कैसे पता चला, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू करते हो, हाँ, उससे जो आता है वही होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर है।
तो बॉन्ड अगर वन है इसका मतलब क्या होता है, एच और एच के बीच में एक बॉन्ड, क्लियर है। इसी प्रकार से देखो तुम ओ टू के लिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टू करने से कितना आता है, तो आता है। इसीलिए क्या बोलते हो, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्लियर है। अगला देखो, एक चीज और बताऊंगा तुम लोगों को, एन टू, एन टू बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, थ्री, इसलिए लिखते हो, क्लियर है। ये चीज यही तीन मेन है, ये इनऑर्गेनिक के हैं लेकिन हम लोग इसको इसमें लेकर के चल रहे हैं, है ना, ये क्योंकि समझाना है तुम लोगों को। चलो इसमें बताओ, इन तीनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, एन टू का, क्यों, बॉन्ड की संख्या ज्यादा, बॉन्ड की संख्या ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, समझ में आया जो चीज बताना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बीच में उपस्थित नंबर्स ऑफ बॉन्ड होता है, और इसकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होगा, क्लियर है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ये देखो कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल गया तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे, तो जैसे तुम लोग बोलते हो ये सोडियम और सोडियम प्लस, सोडियम और सोडियम प्लस सुने हो, यस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, तो क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s, ये लिखते हो। तो जैसे इसमें होता है देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बोलते हो, यह नोबेल गैस का कॉन्फिगरेशन ग्रहण कर लिया, बोलते हो किसके जैसा, ये कितने के बराबर है, नियॉन के बराबर है। तो क्या होता है, नियॉन नोबेल गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस मतलब यह स्टेबल हो गया और यह अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब किसी के साथ यह इलेक्ट्रॉन दे करके बंद बना सकता है, लेकिन यह कभी भी बंद नहीं, क्लियर है। तो ये चीज है, तो ये तो था जनरल वाला, उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा, रिलीज करने पर उनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वह क्या होता है, इंक्रीज, क्लियर है। तो चलो ये हो गया, अब ये बताओ मेरे को, सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर दिया है, सी डबल बॉन्ड सी दिया है और सी सिंगल बॉन्ड सी दिया है, ऐसा दिए हुए हैं, तो इस पर बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, किसका, 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 ठीक है। अब किसके बेसिस पर स्ट्रेंथ बोलो तो किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, ठीक है, तो इसका ज्यादा, इधर का, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी मोर होता है, सी डबल बॉन्ड सी उससे कम होता है, और सी सिंगल बॉन्ड सी उससे और, क्लियर है। चलो ये चीज समझ में आ गया, अब यहाँ पे देखिए, तो CO प्लस थ्री अवस्था के लिए क्या निकालना है आपको, क्या पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होता है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने पर, 2184 सेंटीमीटर इनवर्स, 2184 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, किसके लिए है, हाँ ये देखो CO प्लस 3, CO प्लस 3 के लिए क्या है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक
क्लियर है। अब रिलेशन देखो तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में इन दोनों के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। देखो क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कमी होने के साथ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पूरा जुड़ा उसको समझ में आया। इलेक्ट्रॉन अगर कम करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज। क्लियर है, तो इस बेसिस पर मैं क्या ये लिख सकता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बोलो ये चीज समझ में आया, तो मतलब हमको देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता दिया तब तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं हमको, बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। बोलो ये चीज क्लियर हुआ, चलो आगे देखें। तीसरा हमको दिया हुआ है ये CO और है हमारा स्टार, CO स्टार क्या होता है बोलो तो, फ्री रेडिकल। क्लियर है, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तभी बनता है हमारा क्या, फ्री रेडिकल, और फ्री अवस्था में, फ्री अवस्था मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। क्लियर है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलना पसंद करोगे इसके लिए, फोटोकेमिकल कंडीशन के कारण नॉन बॉन्डिंग होमो ऑर्बिटल से होमो मॉलिक्यूलर मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से वन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाता है, पाई एंटीबॉन्डिंग, ठीक है, इसको होमो को छोड़ो, होमो अब नहीं जाएगा ये, है ना, उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग एनओस, नॉन बॉन्डिंग एनओस से इसमें चला जाता है, पाई एंटीबॉन्डिंग एनओस में आ जाता है। कैसे होगा ये देखो, नॉर्मल केस में हमारा ये था ये एन बी, ये होमो था हमारा, और ये था हमारा क्या, लूमो, और ये क्या था, पाई स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, इस दो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम क्या देते हैं, एच म्यू देते हैं, एच म्यू देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, एक्साइट हो जाएगा इसमें, इसमें लूमो वाले, है ना, मतलब ये कि यह क्या बनाएगा, तो पाई स्टार पर जो है वह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एन बी पर जो उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वहां बच जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे बोलो होमो कौन, ये कंडीशन क्या है, तो ये है हमारा सीओ का, सीओ फ्री स्टेज में है तब, और ये कंडीशन है सीओ क्या है, ये स्टार फ्री स्टेज। तो बोलो होमो कौन, इसमें पाई एंटीबॉन्डिंग, यही क्या होगा हमारा, होमो होगा,
और लोमो कौन होगा, तो लोमो के बारे में बताया नहीं कि उसके ऊपर जो भी होगा वो होगा उसका लोमो। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर बताया जाता है किसको, मतलब समझ में आया स्टार आया इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं लेकिन उसमें से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वह कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर चला गया। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर देखें तो इसके बेसिस पर हमको क्या मिलता है, तो स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वह स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने की प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होता है 1489 सेंटीमीटर की, ये हमको प्राप्त होता है 1489 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है, 1489 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तीन टाइप के लिखे 3CO कोई कंडीशन नहीं, कितना मिला था 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है 3CO कार्बोनिल ग्रुप लेकिन प्लस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गया, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गया, कितने में प्राप्त हुआ हमको, तो हमको 2184 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हुआ। क्लियर है? लेकिन आगे देखें कि हम लोग CO स्टार देख रहे हैं, फ्री रेडिकल देख रहे हैं फ्री स्टेज में, तो फ्री स्टेज में देखें तो क्या हो गया, फोटोकेमिकल कंडीशन के कारण से, फोटोकेमिकल कंडीशन के कारण से क्या हो गया बोलो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग में था वह एक्साइट हुआ, और एक्साइट होकर के कहां चला गया, हां पाई एंटी बॉन्डिंग में चला गया, और पाई एंटी बॉन्डिंग में चले जाने से क्या हो गया, होमो और लोमो का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है, चेंज होने के कारण से हमको क्या मिलता है, तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर के कितने का दे रहा है, तो वो दे रहा है 1489 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं ये CO। क्लियर है? तीनों चीज, तीनों को याद रखना, कितने कितने प्राप्त हुआ, 2143, 2184 और 1489। अब इसके बेसिस पर चौथा देखो जो एक दिया हुआ है, इन तीनों को कंपेयर करके लिखना है, ठीक है, तो देखो तो कैसे कंपेयर करके लिखोगे, ये दिया हुआ है बी है, बी से जुड़ा हुआ याद रखना, रखा मानना, हाँ ये अगर फ्री स्टेज में है तो वह कांस्टेंट रहेगा, उतने का उतने सभी बुक में वही दिखेगा, लेकिन अब चेंज हो रहा है तो उसके साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ गया, उसके साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ गया तो अब चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है, उसके बेसिस पर वह काम। क्लियर है? तो देखो तो ये क्या है, BH3 माइनस है, BH3 माइनस है, यह जुड़ा हुआ है किसके साथ में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, ठीक है, गुड, बोलो 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 क्या बोलना पसंद करोगे, क्या बोलना पसंद करोगे, फिर बोलोगे इसका नाम बोलोगे, अरे भगवान का नाम लो कम से कम वो बताएगा, इसका नाम लोगे तो क्या बताएगा, बताओ क्या पसंद करोगे, क्या बोलना पसंद करोगे, एक चीज और इसी का मैं दूसरा फाइल लिख देता हूँ, देखो ये इन दोनों में अंतर क्या है, ये बताओ इन दोनों में अंतर क्या है,
इसमें बी पर माइनस है, इसके बी पर माइनस नहीं। हाँ अब बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसमें? माइनस वाले में। तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। कैसे डोनेट करेगा? कैसे डोनेट करेगा? हाँ कार्बन की तरफ करेगा, लेकिन कैसा डोनेट करेगा? बैक बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट करेगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखें कि माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा है तो वह क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्या? नहीं। ये तो खुद डिफिशियंट है। कैसे डिफिशियंट है? देखो इसको कल बताया था मैंने, अगले क्लास में क्या बताया था? बी के लिए देखे थे कितना होता है, 5 6। बी के लिए, बोरान के लिए 5। तो 1s2 2s2 2p1 यही था। क्या बोले थे? ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसके, तो हाइब्रिडाइजेशन करने से क्या हो जाता है? तो देखो 2s1 हो जाएगा 2px1 2py1 और 2pzg, यही होगा। ये तीनों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये भी एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, और खाली बचा हुआ ऑर्बिटल कौन? क्योंकि जिस पर जीरो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इस केस में बोलो तो सेम हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और ये कौन सा है? 2pz। ये आसानी से क्या कर सकता है? इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, बोलो ये चीज क्लियर है? तो माइनस अगर दिया हुआ है मतलब बैक बॉन्डिंग करेगा, और माइनस अगर नहीं दिया है तो बैक बॉन्डिंग क्लियर है? समझ में आया? तो इसका जो जरूरत है इसका, ये तो नॉर्मल समय तुम लोगों को समझाने के लिए बता दी। तो चलो इसके बेसिस पर बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? बैक बॉन्डिंग हुआ, तो बैक बॉन्डिंग होने से क्या होता है? बोलो, बैक बॉन्डिंग होने से यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बी और सी के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग हुआ। तो इससे क्या समझते हो? बैक पाई बॉन्डिंग हुआ तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ बॉन्ड किसका? बी सी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? मोर होगा। हो गया? Yes. आप बोलो सी ओ बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ क्या हो गया? लेस। हो गया? चलो अब मैं पूछ रहा हूं, क्या पूछा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? बढ़ेगा? नहीं नहीं, लेस है ना, लेस होता है। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा है, क्यों लेस होगा? हाँ, क्योंकि देखो बी सी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यह डबल बॉन्ड का करेक्टर ग्रहण कर लेगा, और यह जो ट्रिपल बॉन्ड का करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड था लेकिन अब कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड का करेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज। वही चीज लिखा हुआ है, सी ओ के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ले लो, ठीक है? अब ये कम हो रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेस होगा। चल अब लेस होगा तो किससे लेस हो ये भी बताओगे तब तो बनेगा। बोलो किससे कम होगा, होगा तो किससे कम होगा। फ्री अवस्था में CO जो मॉलिक्यूल था, यहाँ पे लिए क्या है हम लोग, न्यूट्रल वाला लिए है ना CO, और इससे जो फर्स्ट वाला स्टैटिन वाला पढ़े थे, स्टैटिन वाला क्या था CO, लेकिन इस पर था हमारा क्या प्लस और इस पर था माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो करके क्या देते हैं, यही होगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल का क्या होता है बोला था, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है बोला था, ये होता है। अब इससे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि CO इसके लिए यह क्या होगा, यह लेस होगा इससे, इससे टू पी जेड है और ये क्या है पाई स्टार है। पाई स्टार क्या होता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होता है टू पी जेड, क्या होता है दोनों में अंतर समझ में आता है। तो कभी भी एटम का ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होगा, कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ज्वाइंट होगा, नहीं होगा। तो यहां पे वेट पाई बॉन्डिंग क्या लिखोगे, नो वेट पाई बॉन्डिंग। चल नो वेट पाई बॉन्डिंग तो क्या होगा बोलो, बी सी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, लेस होगा। ये हो जाएगा हमारा लेस। बोलो CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या तो क्या होगा, बोलो वी क्या होगा, मोर होगा। मोर किससे होगा, किससे, फ्री स्ट्रेस से। अब फ्री स्ट्रेस का कितना है, ठीक है इसको हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, पी है डायरेक्ट जुड़ जाएगा ऐसा बोले थे, लेकिन यह जुड़ेगा कब, तो कब जुड़ेगा अगर मेटल उपस्थित है, देखो तो इसको को वो जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा अगर मेटल उपस्थित, ये मेटल है, मेटल में अगर हम इस प्रकार से दिखाते हैं ऐसा दिखाते हो और C ट्रिपल बॉन्ड O ये करते हैं, तो इस पर जो उपस्थित ऑर्बिटल जो होते हैं तो ये क्या होता है लुमो होता है ये इसका, और ये क्या होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन है, ये होगा इसका होमो, लिखते हो yes. इस पर इसको होमो लिखे हैं क्या, क्या लिखे हैं, टू पी जेड पर दो इलेक्ट्रॉन है यही लिखे हैं। तो हमको जो कॉन्सेप्ट है वेट बॉन्डिंग का उसमें बताए थे, क्या बताए थे कि होमो से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लुमो में होता है और उनके बीच का जो एनर्जी गेप है वह कंपेरेबल होना चाहिए, क्लियर है। तो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एनर्जी क्या है इसकी कम ही होगी किसकी अपेक्षा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा, और बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाँ तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह क्या हो जाएगा, कम होगा। और कम अगर ये है तो ये तो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, या बढ़ेगा समझ लो,
तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मोर होगा, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा, थ्री स्टेज में सीओ न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो 2143 से ज्यादा प्राप्त होगा, ये चीज समझना है। तो कितना होता है इसका, तो उसका होता है इतना, कितना इतना माइनस यहां से पूरा हुआ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ई, और इसका जो बॉन्ड सॉरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसका म्यू सी ओ, यह कितना होता है, ये होता है 2164 सेंटीमीटर, कितना होता है 2164 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या यह इस फ्री अवस्था में जो कार्बोनिल है इससे ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है और इसके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है किसका ज्यादा होगा, बीएच से जुड़े हुए के साथ में, तो किसका ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, क्लियर है। स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ, चलो तो इस बेसिस पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आगे देखिए सर, बोलो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी निकाले सब ब्रांच यहाँ पर, हाँ देखो तो गलत लिख दिया हूँ, यहाँ 2143 लिख दिया हूँ, देखो तो उसके आगे कुछ चिन्ह लिखा है, देखो तो देखो ये लिखा रहा है इस चीज को, और ये चिन्ह बता रहा है कि इससे यह ज्यादा होगा, पर इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू ठीक है, लिखने का तरीका भी यही है साइंस, कैसे लिखें यह मैटर करता है, अगर इसको मैं बराबर कर देता तो गलत था, ठीक है, समझ में आया ये चीज, तो ये बोलो क्लियर है ये चीज, समझ में आया कि नहीं है, देखो ये तो हो गया चौथा, पांचवा देखिए, पांचवा बता रहा है सी आर, या इसको लिखो सी ओ पाई सी आर सी ओ, बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, क्रोमियम कितना होता है, ये फॉर्मूला का देखो तो क्या है फॉर्मूला, तो सी आर सी ओ सिक्स, और यहां पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है, बोलो क्रोमियम, स्केलियम ट्राइटियम वैनेडियम क्रोमियम 24 होता है, कैसे लिखा होगी, माइनस टू टू एस टू टू थ्री सिक्स डी एस टू थ्री बी सिक्स थ्री डी फोर एस टू, और फोर एस टू के पार्ट देखो 10 10 20 हो गया, 20 और 4 24, तो ऐसा नहीं रहता ये, फिलहाल ये कैसा रहता है, तो ये 5 हो जाता है और ये 1, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो क्रोमियम बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बोनिल के साथ में, तो कैसे बनाएगा, सीआर पांच कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गए इसके साथ,
एक कार्बोनिल है वो भी जुड़ रहा है इधर से ऐसा, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चार्ज कितना है इस पर, ये न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रल है मतलब ना तो प्लस देंगे ना तो माइनस देंगे, क्लियर है। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो जीरो मतलब क्रोमियम पर ना ही प्लस होगा ना ही माइनस, क्लियर है। तो ना ही इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना ही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो जैसा है वैसा रहेगा। तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक्स्ट्रा, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन देखना है तो कितने हैं, सिक्स। तो ये देखो हो गया। अब बताओ मेरे को यहां पे इसके इतना छाप दिया इसमें क्या बता सकते हो, ये बताओ तुम लोग। तो क्या बोल सकते हो, बोलो। सी आर सी क्या होगा इनके बीच में, बैक पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बैक पाई बॉन्डिंग ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा इसमें, बैक पाई बॉन्डिंग, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोलोगे, सी आर सी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, मोर होगा, ठीक है, मोर होगा। या फिर उसी को क्या बोलते हो, समझ में आगे देखें। अब क्या बोल सकते हो, सी ओ के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, बोलो, लेस या फिर वी, हो गया। और क्या बोलना पसंद करोगे, बोलो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेस होगा, किससे, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, क्या लिखा, जो फ्री स्टेज में है उससे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह कम होगा। और ये क्या किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, बोलो क्या यह समझ में आ रहा है, क्या यह समझ में आया क्या, चलो इसमें आगे देखें। तो आगे दिया हुआ है ये देखो, एम सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ये दिया है, एम सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहां पे उपस्थित ये क्या है हमारा मेटल, ये क्या है, हाँ उसका वैल्यू तुम लोग खोजना क्या हो गया, हाँ चलो ये देखो तुम, ये क्या है मेटल, ये क्या है हमारा कार्बोनिल, ठीक है। तो कार्बोनिल देखो तो मेटल से लास्ट में उपस्थित या मेटल के अंतिम छोर में उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल कार्बोनिल, क्या बोलेंगे, टर्मिनल कार्बोनिल, या फिर इसको हम देंगे कैसे, तो टी सी ओ, TCO बोलेंगे। और इसके लिए हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं टर्मिनल कार्बोनिल के, तो वह फ्रीक्वेंसी
हमको कितने में प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 2130 से लेकर के 1850 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। मतलब मतलब जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उसके बेसिस पर उसका वैल्यू जो है वो घटता है, जितना ज्यादा वेट बॉन्डिंग उतना उसका कम होगा। जैसे अभी अभी देखे थे एग्जांपल, एक तो सी आर सी ओ फाइव था और इधर सी ये था, इसके साथ भी वेट बॉन्डिंग करेगा। कार्बोनिल कितने को है, छह को है, छह टाइप से वेट बॉन्डिंग करेगा। छह टाइप से वेट बॉन्डिंग किया तो उसका वैल्यू इससे बहुत ज्यादा कम होकर ये तक आ जाएगा। समझ में आया? तो देखेंगे इसको आगे, देखेंगे कि यह कैसे आता है, क्लियर है? तो हमको याद होना चाहिए, बोलो तो CO थ्री स्टेज में कितना था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO स्टार का कितना था, और CO प्लस का कितना था, चौरासी था, कैसे कितना था, 89 था, देखो देखो देखो, हाँ नहीं किसका चौरासी, तुम लोग गलत लिखे हो, 84 है, इक्कीस सौ तो 64 किलो तो बोले, मैं बोला याद रहेगा, याद रहेगा, मिटा दे, काम नहीं है, बस उसको याद दिला रहा। चल ये हो गया, टर्मिनल अगर सी ओ उपस्थित है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको कितने से कितने के बीच प्राप्त होगा, 2130 से लेकर के 1850 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त। क्लियर है ये चीज? चल अगला देखिए, दूसरा दिया हुआ है एम जुड़ा हुआ है सी से और सी जुड़ा हुआ है ओ से, एम जुड़ा हुआ है सी से और सी जुड़ा हुआ है ओ से, एम मतलब बोलो क्या बोलो इसको, कार्बोनिल कैसा है, गेज सिस्टम में, और यहां पे देखो तो मेटल की संख्या कितनी है, दो है, दो के बीच का ब्रिज है, तो इसको लिखते हैं हम लोग न्यू टू सी ओ, क्या लिखते हैं, न्यू टू सी ओ, ठीक है, क्या लिखे समझ में आया ना, न्यू टू सी ओ, और इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ब्रिज है न्यू टू सी ओ, इसका कितना होता है, तो ये होता है 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है? इसी में तीसरा,
बोलो सीओ कैसा है? बीज में है? कैसे बीज बोलोगे इसको? न्यू थ्री बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि तीन मेटल से जुड़े हुए हैं। ये बोन ऐसा होता है, ये बोन ऐसा होता है, ये बोन ऐसा होता है, तीन मेटल से जुड़े हैं। क्या बोलोगे इसको? न्यू थ्री सी। समझना है? चलो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1730 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। कितने का होता है? 1730 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखिए। एच पी सी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री क्या है? नाम बोलो इसका। एसीटो। एसीटो। इस एसीटोन के लिए जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखी तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। कितने का? 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना है ये जो वैल्यू दिखा रहा हूं, ठीक है? उसी के बेसिस पे हम लोग का क्वेश्चन हल होगा आगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों का समझना है क्या? अब तुम्हारे पास एली एसीटोन दे दिया है, देखो तो ये दिया है, एलिल ग्रुप है, एसीटोन है, ठीक है? तो एलिल एसीटोन दिया है तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता रहा हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस पर माइनस साइड आता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, पता है ये चीज को? क्या बनेगा इससे? तो इतने तक का बना रहा सी एच डबल बॉन्ड सी बनेगा, सी एच थ्री बनाएगा, इधर जो भी है उसको छोड़ दो, तब कुछ काम नहीं है। आगे देखो तो हो रहा है, इसमें क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें हो सकता है, क्या बोलना पसंद करो? इसकी सीओ का वैल्यू क्या होगा? ये होगा क्या कि ये होगा? दोनों में से कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। क्यों होगा? इसको बोल रहे हो क्या लिखे हो इस पर? एक बार समझ लो, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले से ज्यादा होगा, बोल रहे हो ऊपर वाला, बोल रहे हो नीचे वाला बोल रहा है इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले से कम होगा, वो कौन सा सही है? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है क्यों? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा है, मतलब देखो तो एक बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कर रहा है दो बॉन्ड की अपेक्षा, ऐसा है? कैसे? बोलो बोलो बोलो। बोलो तो कौन सा सही होगा? ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। CH3CH3 C
सी डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री और है सी एच थ्री। अब बोलो ए बी सी सबसे ज्यादा स्विचिंग दोनों तरफ से, हाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन में माइनस की रेखा डबल बॉन्ड बोलो ठीक है जो बोल रहे हो सही है। ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इसके कारण से देखो तो ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो वहां से टूट करके बाहर हो जाएगा, बाहर होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका CO का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सबसे कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वहां पे तो CO बॉन्ड ही नहीं बचा, समझ में आ रहा है, CO बॉन्ड ही खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन वाले टूट करके बाहर चले जाएगा, बाहर चले गए मतलब यहाँ पे CO बॉन्ड खत्म, बॉन्ड खत्म मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सीधा सीधा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है वन और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बोलो किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ए की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा किससे, बी से, और बी की ज्यादा किससे, ये होगा हमारा आंसर। बोलो समझ में आया ये चीज, ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं। चलो ये तो हो गया इसके बेसिस पर, ये दिया हुआ है एक और एल एन एन और इस पर है ऐसा और ये जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और इससे जुड़ा हुआ है सी एच थ्री, बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो करा लेते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कराने से क्या हो गया, एम सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, सी ओ बॉन्ड वीक हो गया, ठीक है, बोलो क्या बोलना पसंद करोगी, क्या बोलना पसंद करोगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, किस ऐसी कौन से, समझ में आ रहा है, किससे कम होगा, एसीटोन से, क्लियर है, क्योंकि यह एसीटोन है ना कि कार्बोनिल, कार्बोनिल रहता तो हम लोग शुरू वाले पे चलते, समझ में आ रहा है, शुरू वाले पे कि फ्री अवस्था में कार्बोनिल का क्या होता है, क्लियर है, तो ये होता है। अब यहाँ पे देखो तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि इसके लिए जो म्यू सी ओ का वैल्यू होता है वह 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है इसके बी टाइप में, और इसके लिए देखें तो इसके लिए ये जो बॉन्ड है यह क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, वीक होकर के इधर शिफ्ट होना चाहेगा, क्यों, क्योंकि देखो मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया जा रहा है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यह जो बॉन्ड का करेक्टर है वह ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होना चाहिए, इसके कारण से यह वीक हो जाता है, कौन, तो डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब वह बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो इसके लिए हमको जो CO का वैल्यू है वह कितने का प्राप्त होता है, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होता है 1700 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स का। चलो ये क्वेश्चन देखें, अरेंज द
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर इन इंक्रीजिंग क्रम, इंक्रीजिंग क्रम में इसको अरे करना है। इसका ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमको CO6 और है प्लस, बी दिया हुआ है इसका ये है हमको CrCO6, सी दिया हुआ है बी CO6 माइनस और डी दिया हुआ है TiCO6 2-. क्या दिखाया है, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसका होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें, क्लियर है? ये दिया हुआ है, बोलो आंसर। बोलो आंसर, बोलो एक का ज्यादा होगा, चलो वेरी गुड, एक का, हाँ एक का ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा, अच्छा बी का सबसे ज्यादा होगा, चल दीजिए तेरा बार बोल, कौन सी पहले, ए बी सी डी, ठीक है, हाँ तुम लोग का बताओ, बी